नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हो? मुझे विश्वास है कि आप सब स्वस्थ हो और मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप कहाँ हो, क्योंकि आप स्कूल के अनुशासित बालक हो, स्कूल में पढ़ते हो और लॉकडाउन का पालन कर रहे हो। तो आज पहली बार हम पहला ही प्रकरण उच्चारण स्थान का लेंगे संस्कृत में। कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी है, तो ध्यान से आप सुने कि वर्णों का उच्चारण किन किन स्थानों से होता है, उच्चारण स्थान हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से अपने जो शरीर के अंग है वहाँ से काम आएंगे कि किस स्थान से किस वर्ण को बोलना है। सबसे पहला स्थान है कंठ। हम लोग कंठ से कुछ वर्णों को बोलते हैं, वो वर्ण है जैसे अ और इसका दीर्घ आ। इसके अलावा क वर्ग, क वर्ग के अंदर क ख ग ग ग और है। इसके अलावा विसर्ग, ये सभी क वर्ग में आते हैं। अब आप समझ गए होंगे ये जो अ, क वर्ग, ह और विसर्ग कौन से स्थान से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान कंठ है। अब दूसरा उच्चारण स्थान है तालु। तालु का स्थान यह है, जैसे दांत से थोड़ा ऊपर ये तालु है, तो ये हम इन वर्णों को तालु से बोलेंगे। जैसे पहला वर्ण है ई, ई और दीर्घ ई, ई ई। इसके अलावा च वर्ग में च, छ, ज, ज, य। इसके अलावा य और श, इनको हम तालु से बोलते हैं। तीसरा उच्चारण स्थान है मूर्धा। मूर्धा तालु से थोड़ा और ऊपर मूर्धा है, तो वहाँ से बोलेंगे अपन री। इसके अलावा ट वर्ग, जैसे ट, ठ, ड, ड, ण। इसके अलावा र और श, देखिए ये तो श, ये श, 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 अंतर है इसमें, इसलिए आप देखें मूर्धा वाला श ये। तो मूर्धा से कौन कौन से वर्णों को बोला जाता है बच्चों? एक तो री, एक ट वर्ग, एक र और एक श, इनको हम मूर्धा से बोलेंगे। अब चौथा उच्चारण स्थान है दंत। दांतों से हम एक तो लरी, ये अपने संस्कृत भाषा में लरी है, तो इसके अलावा त वर्ग, त वर्ग में त, थ, द, ध, न। इसके अलावा ल और स, ल और स, स, त कितने, यानी दांत चोड़ भी सेम है, स, ये स, ये श, ये श, इसमें अंतर है, देखिए आप। अब अगला उच्चारण स्थान है ओष्ठ, यानी होठों से हम कुछ वर्णों को बोलते हैं, वो वर्ण कौन कौन से? एक तो है उ। इसके अलावा प वर्ग, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म आदि आते हैं। तो आप समझ गए होंगे होठों से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, एक तो उ और एक प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। इसके अलावा अंत में ये है नासिका। नासिका नाक से कौन कौन से वर्णों को हम बोलेंगे? नाक से बोलने वाले पंचम वर्ण है, वर्ग के पंचम वर्ण यानी पांचवा वर्ण। जैसे क वर्ण का पांचवा वर्ण ङ है, च वर्ग का पांचवा वर्ण य है, ट वर्ण का, ट वर्ग का ण है। इसके अलावा त वर्ग का न है, प वर्ग का म पांचवा है ना। तो इनको हम नासिका से बोलते हैं। इसके अलावा अनुस्वार को भी नासिका से बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे, एक तो अनुस्वार, एक क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का पांचवा वर्ण अनुस्वार होता है। अब देखो एक समस्या और आएगी, जब प्रतियोगी परीक्षा में कुछ अलग प्रश्न पूछते हैं, जैसे उन प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे आ जाए कि ये जो न है वो कौन से वर्ग में आएगा या कौन से स्थान से बोला जाएगा, उच्चारण स्थान इसका कौन सा है, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। देखो एक तो उच्चारण स्थान इसका ते वर्ग वाला दंता है ना, दांत में भी दंता जो ते वर्ग होता है उसमें भी न आता है और यहाँ भी न है, तो आप इनको दोनों को लिखना है, जैसे नासिका और दंता दोनों ही, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब अगला उच्चारण स्थान है कंठ तालु। वो तो एक एक स्थान थे, अब कुछ वर्ण ऐसे दो स्थानों से एक साथ बोले जाते हैं, दो स्थान काम करते हैं बोलने में, जैसे कंठ और तालु। जैसे ए, जैसे ए बोल रहा हूँ तो कंठ और तालु दोनों के स्पर्श, थोड़ा स्पर्श हो रहा है इसलिए इसको कंठ तालु बोलते हैं। ए और आई दोनों कंठ तालु है,
इसके अलावा कंठ ओष्ठ, कंठ और होठ से जो वर्ण बोले जाते हैं तो उनका स्थान उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ हो गया। ओ और औ ये दो ही वर्ण है जो कंठ और ओष्ठ यानी होठ से बोले जाते हैं। इसके अलावा दांत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ, दांत और होठ के दोनों के माध्यम से जैसे आप वह बोलें वह, तो यहाँ दांत स्पर्श होगा तो वह जो है वह वर्ण वो दंतोष्ठ का है। इसके अलावा दो वर्ण और है क और ख, इनको क और ख ये जीवा मूलम है यानी जीभ के मूल से बोले जाते हैं, इसलिए इसको जीवा मूलम कहते हैं। आज का इतना ही प्रकरण, धन्यवाद, जय हिंद। चलो सर।